क्वेश्चन में आपको दिया गया है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ठीक। तो यहां पे जब भी आप x इनपुट दोगे तो वो कौन ऑपरेट करेगा, रूट ऑपरेट करेगा। रूट के बाद जो वैल्यू आएगी यहां से ऑपरेट होगे वो tan ऑपरेट करेगा, और tan ये फाइनल वैल्यू आएगी वो sec ऑपरेट करेगा। तो ये एक सीक्वेंस है फंक्शंस ऑपरेट होने की। सबसे शुरू में आपका रूट ऑपरेट होगा, देन tan ऑपरेट होगा, देन sec ऑपरेट होगा। तो इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे चेन रूल को, तो बहुत सिंपल है। आप एज्यूम कर लीजिए लेट y इक्वल्स टू sec ऑफ सबसे आउटर फंक्शन, और इनर को आप u मान लीजिए, जो भी पूरा u है, से u, वेयर u इज sec ऑफ सॉरी tan ऑफ, अब जो भी अंदर है उसे v एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, देन v इज रूट एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, ये सारे फंक्शंस का नेमिंग कर दिया, ये sec sec रहा, लेकिन ये पूरा अंदर का आपने u मान लिया, फिर भी, तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया, ठीक। इसमें y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, और v क्या है, x का फंक्शन है। तो y को हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy by du, that is equals to d by du of sec u, और sec u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x का होता है, sec x tan x, तो sec u का होगा, हो जाएगा sec u tan u। लेकिन u हमारा डमी वेरिएबल है, ये ध्यान दीजिएगा, और कभी भी आंसर का पार्ट आपका डमी वेरिएबल नहीं हो सकता है, उसकी अपनी वजह है, क्योंकि आपने यहाँ u माना है, कोई यहाँ पे t मान सकता है, कोई v मान सकता है, कोई a मान सकता है, तो डमी वेरिएबल के टर्म में कभी भी आंसर हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो dy by du, u हमारा क्या था, u था हमारा ये पूरा tan ऑफ v, और v क्या था, रूट एक्स, मतलब tan ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। तो sec ऑफ u की जगह पे tan ऑफ रूट एक्स लिखेंगे, एंड tan ऑफ दिस tan, और u की जगह पे tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दैट इज योर फर्स्ट रिजल्ट। नाउ u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है, तो यहां पे इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, du by dv, दैट इज d by dv ऑफ tan v, और tan v का डिफ्रेंशिएशन tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो v के रिस्पेक्ट में जब करोगे आप तो sec स्क्वायर v हो जाएगा, और v आपका क्या है, v रूट x है, क्योंकि v डमी वेरिएबल है, इसे इंटरमीडिएट में हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो दैट इज sec स्क्वायर रूट एक्स। से दैट इज योर सेकेंड रिजल्ट, du by dv। नाउ v किसका फंक्शन है, x का है, तो ये चेन की आखिरी कड़ी है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv by dx, दैट इज d by dx ऑफ, अब रूट को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लोगे 1 by 2, ठीक, तो यहां nx n minus 1 लग जाएगा, x की पावर 1 by 2 और minus 1, 1 by 2 minus 1 आपका कितना होता है, minus 1 by 2, तो ये हो जाएगा आपका minus 1 by 2, और x की पावर minus 1 by 2 लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंट ला क्या कहता है, कि अगर x की पावर minus m है, तो इसको 1 by x की पावर m लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by x की पावर 1 by 2, और अगर x की पावर 1 by 2 लिखा हुआ है, तो इसे under root x लिख सकते हो, तो that is known as a, दैट इज अंडर रूट एक्स। तो ये आ गया आपका dv by dx, ठीक है। तो ये सेपरेट हमने सारे के सारे रिजल्ट निकाल लिए, बट वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। तो dy by dx जितने भी आपके पास चेन में सीक्वेंस रिजल्ट आए हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx, तो आपका आंसर क्या हो गया, that comes out to be sec of sec tan of root x tan of tan root x
एंड sec स्क्वायर रूट एक्स और ये 1 बाई टू रूट एक्स, तो इसको पहले लिख देते हैं 1 बाई टू रूट एक्स, तो दैट इज योर आंसर। लेकिन जब भी आप बड़े क्वेश्चंस में इसको हैंडल करोगे इस स्टेप को, तो कभी भी आप इस तरह से चेन रूल तो अप्लाई करोगे लेकिन इस तरह से अप्लाई नहीं करोगे, मतलब आप डमी वेरिएबल प्रोड्यूस नहीं करोगे। ये सीखने के लिए था, जानने के लिए था, लेकिन कभी भी बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होगा, प्रैक्टिकली ये यही आपके साथ होने वाला है कि बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होगा, तो कभी भी हम ये डमी वेरिएबल नहीं लाएंगे, बिना डमी वेरिएबल के डायरेक्ट सोचेंगे। सोचना क्या है, सिंपल है, आप सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करिए, आप सोचिए कि इसको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं से दैट इज अल्टरनेटिव मेथड, आंसर आपका हो चुका है, लेकिन हम आपको थोड़ा डायरेक्ट बता रहे हैं अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टैन रूट एक्स। तो क्या करिए, आप इमीडिएट जो आउटर फंक्शन है उसको बस डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब यहां इमीडिएट आउटर फंक्शन क्या है, सेक है, और सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स और टैन एक्स, लेकिन यहां एक्स नहीं होगा, यहां जो भी अंदर है एक्स की प्लेस पे वो प्लेस करेंगे, तो टैन ऑफ रूट एक्स, और यहां भी टैन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लिखोगे क्या चीज, अंदर वाला जस्ट इनर फंक्शन टैन ऑफ रूट एक्स। ठीक, अब यहां पे फिर से आप चेन रूल लगाओगे, मतलब जो आउटर फंक्शन है सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब टैन को डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, जब टैन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर अंदर वाला वैसा ही रहेगा, तो ये हटा के हम लिख देंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक, अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ये आखिरी फंक्शन है चेन का, ये आखिरी कड़ी है जो एक्स का फंक्शन है, मतलब यहां से आपका डिफ्रेंशिएशन टर्मिनेट हो जाएगा, ये आखिरी डिफ्रेंशिएशन करना है जो, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई रूट एक्स का हमने यहां पे किया था, वो कितना आया था, वन बाई टू रूट एक्स, तो यहां पे अप्लाई कर लेते हैं इस चीज को, दैट कम्स आउट टू बी वन बाई टू रूट एक्स, तो आपका वही ओरिजिनल आंसर आ गया, लेकिन यहां एक स्टेप में आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप वन स्टेप में करने की कोशिश करा करिए। ठीक है।